सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बहुत ही सुंदर मॉर्निंग है। हम लोग रात को हमने हिमाचल टूरिज्म में ही स्टे करा और यहाँ पे जो फूड हमने लिया था डिनर में, दैट वाज अ वेरी लाइट फूड। वेजिटेरियन का ही ऑप्शन होता है आपके पास। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं कहूँगा, पर गुड इनफ आपको। स्पेशली जो है कि यहाँ पर आपको तवा रोटी ज़रूर मिलेगी। कई लोगों को तवा रोटी पसंद होती है, तो तवा रोटी ज़रूर मिलेगी खाने के लिए। और मॉर्निंग में अभी हम उठे तो मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ झील के ऊपर। सुबह हमने देखा तो उसमें उसके ऊपर से कोहरा ट्रैवल कर रहा था, जिसको मैं इस वीडियो में कवर करूँगा अपनी। तो आप सामने व्यू देख सकते हैं कि झील के ऊपर से, पानी के ऊपर से जो फॉग है वो ट्रैवल कर रहा है। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद जो चाय पीने का मज़ा है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। रेणुका जी में हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में काफ़ी वैरायटी है जो आप लोग मॉर्निंग में ले सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद देन आप अपने चाय कॉफ़ी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ले सकते हैं। ये इस होटल का डाइनिंग एरिया व्यू है, इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट में जो भी अवेलेबिलिटी है यहाँ पर, जैसे पूरी है, पराठे हैं, सैंडविचेस हैं, तो ऑल आर गुड ऑप्शंस। आप लोग इसको ले सकते हैं और खा सकते हैं, क्योंकि खाने में खाने की क्वालिटी अच्छी है और ऐसा कुछ मतलब ठीक ठाक है। तो मेरे बैक साइड में जो है रेणुका जी झील है, जहाँ पर आप लोग बोटिंग की फैसिलिटी ले सकते हैं। चार्जेस आर नॉमिनल फॉर 4 सीटर। और ये झील का व्यू है जो इस वीडियो में आपको दिखा रहा हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मेन गेट पर पहुँचते हैं। यहाँ से हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर घुसेंगे और एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे लोकेशन में क्या क्या। ऑब्वियसली जानवरों की सेंचुरी है तो जानवर ही देखेंगे, पर मुझे जो लग रहा है झील के किनारे ये बसा हुआ है तो यहाँ पे सीनरी भी बहुत अच्छी होगी और हमें काफ़ी सारी अमेजिंग पिक्चर्स और वीडियो मिलेगी। यस, लेट्स एक्सप्लोर इट गाइस, कम ऑन। तो मैं मिनी जू के गेट पर पहुँच चुका हूँ। यहाँ से अब हम लोग एंटर करेंगे जू के अंदर। मैं दिखाता हूँ आपको बैक साइड का, ये है इसकी लोकेशन। रेणुका जी के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर मैं घुस चुका हूँ। मेरे बैक साइड में है रेणुका झील का व्यू। ये कंप्लीट झील यहाँ से दिख रही है, बहुत ही बड़ी झील है।
फ्रेंड्स, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हमने पूरा एक्सप्लोर किया और यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल्स हैं जो जिसमें लेपर्ड भी है, डियर है, कुछ बर्ड्स हैं, भालू है, तो उनको देख के आप लोग अपना ये ट्रैक पूरा कर सकते हैं। एंड इट्स रियली अ ब्यूटीफुल ट्रैक, पहाड़ों के बीच में झील के साथ में चलते हुए ये ट्रैक है, जिसको अगर आप, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, जंगलों के बीच में घिरा हुआ ये ट्रैक बना हुआ है और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है। सो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं देहरादून के लिए, वापसी के लिए, और पांटा साहिब से जो है रेणुका जी के लिए दो रास्ते हैं। कल हम दूसरे रास्ते से आए थे, देहरादून से आए थे, और अभी वापसी में हमने दूसरा रूट पकड़ा है, तो ये रूट उस रूट से बेटर है थोड़ा सा। मैं ये कहूँगा कि अगर आप पांटा साहिब पहुँचे तो वहाँ पे पूछ लीजिएगा कि कौन सा रूट जाना बेटर रहेगा, तो उस हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हैं। हम लोग अब मधुबन रिज़ॉर्ट पहुंच चुके हैं, ये ऑन द वे टू देहरादून है फ्रॉम पांटा साहिब, तो ये रिज़ॉर्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, देन वी विल गो बैक टू होम। ये रूट है पूरा।